हाय स्टूडेंट, वेलकम टू आर सी एजू हब ऑनलाइन क्लासेज। क्लास ट्वेल्थ, सब्जेक्ट एग्रीकल्चर बायोलॉजी, चैप्टर नंबर 4, डिफरेंट मेथड्स ऑफ इंसेक्ट पेस्ट कंट्रोल, यानी कि कीट नियंत्रण की प्रमुख विधियां। सबसे पहले इसके अंदर कीट नियंत्रण की बात करेंगे। इसकी परिभाषा क्या होती है, कीट नियंत्रण होता क्या है, यानी कि फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों की संख्या। फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले जो कीट होते हैं उनकी संख्या को नियंत्रित करना। नियंत्रित करना या फिर उनको कम करना, जब बढ़ी हुई समष्टि। को नष्ट करना, किसी भी विधि से कीटों की संख्या में कमी करना कीट नियंत्रण कहलाता है, जिसके अंतर्गत विभिन्न विधियों का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर शब्द आता है समष्टि, यानी पॉपुलेशन। किसी विशेष स्थान पर, किसी विशेष स्थान पर किसी जाति विशेष के, जाति विशेष के जीवों की संख्या, जीवों की संख्या उस स्थान की या फिर क्षेत्र की पॉपुलेशन कहलाती है या फिर समष्टि कहलाती है। यहाँ पर देखें, किसी विशेष स्थान या विशेष क्षेत्र पर पाई जाने वाली विशेष जाति के जीवों की संख्या को कहते हैं समष्टि। किसी भी विशेष क्षेत्र की बात करें, यानी कि अगर बानसूर की ही बात करें, तो यहाँ पर बानसूर क्षेत्र में पाए जाने वाले किसी एक विशेष जाति के जीव, उनकी टोटल जो संख्या होगी वो इस क्षेत्र की पॉपुलेशन कहलाती है या फिर समष्टि कहलाती है। तो यहाँ से कोई भी जो कीट है उसकी समष्टि यदि बढ़ी हुई है, उसमें संख्या ज़्यादा है जीवों की, तो उनको किसी भी तरीके से कम करना अपने पास में कहलाए कीट नियंत्रण। अब कीट नियंत्रण जो होता है इसके दो प्रकार होते हैं। फर्स्ट होता है नेचुरल कंट्रोल, और एक होता है आर्टिफिशियल कंट्रोल। ये है प्राकृतिक नियंत्रण और ये होता है कृत्रिम नियंत्रण। कीटों का नियंत्रण जो होता है वो प्रमुख रूप से दो विधियों के द्वारा किया जाता है। एक नेचुरल होता है जो कि प्राकृतिक नियंत्रण, और एक होता है कृत्रिम नियंत्रण। यहाँ पर सबसे पहले हम प्राकृतिक जो नियंत्रण होता है उसके बारे में देखेंगे। नेचुरल कंट्रोल जो होता है इसमें मानव का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता, मानव का इसमें कोई रोल नहीं होता है। प्रकृति में विभिन्न परिवर्तनों के माध्यम से या विभिन्न कारकों के माध्यम से, जो कि प्राकृतिक कारक हैं, उनका उपयोग करते हुए किस प्रकार से कीटों की संख्या अपने आप कम हो जाती है बिना कोई मानव हस्तक्षेप के, तो उसको कहते हैं प्राकृतिक नियंत्रण कहते हैं। जिसमें विभिन्न कारक है, जैसे सबसे पहले अगर इसमें बात करें तो ऋतु परिवर्तन, ऋतु परिवर्तन। ऋतु के अंदर जब परिवर्तन होता है तो कीटों के लिए वो अनुकूल नहीं होता, जैसे अगर बात करें तो कोई भी अगर कीट है वो किसी विशेष ऋतु के अंदर, कोई विशेष ऋतु होती है जो उसके लिए अनुकूल होती है, साथ ही इस विशेष ऋतु के अंदर ही यह अपनी संख्या के अंदर वृद्धि करता है। अब
ऋतु यदि बदल जाती है, जैसे इसमें चेंज आता है, बदलाव आता है, तो यह उसके लिए अनुकूल नहीं होती और इसकी संख्या के अंदर अपने आप कमी आने लगती है। इस वजह से कीटों का जो नियंत्रण है वो ऋतु परिवर्तन के कारण अपने आप हो जाता है। सेकंड जो पॉइंट आता है इसमें वो आता है प्राकृतिक शत्रु, ऋतु परिवर्तन, उसके बाद में प्राकृतिक शत्रु। कीट जो होते हैं इनकी प्रकृति के अंदर इनके शत्रु पाए जाते हैं, अर्थात ऐसे जीव पाए जाते हैं जो कीटों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, कीटों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इन कीटों को या शत्रु जो होते हैं इनको, जैसे कि परभक्षी, परजीव्याब, कीट भक्षी, परजीवी, ऐसे विभिन्न जीव हैं जो कीटों के ऊपर रहकर या कीटों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जिससे कीटों की संख्या जो होती है वो स्वतः ही कम होने लगती है और इनका कीट नियंत्रण हो जाता है। इसके बाद में है प्राकृतिक रोग। प्राकृतिक रोग कीटों के अंदर विभिन्न रोग उत्पन्न होते हैं, जिससे ये नष्ट होने लगते हैं और इनकी संख्या के अंदर कमी आती है। इसके अलावा भूमि की रचना, भूमि की रचना या स्थलाकृति जो होती है उसके कारण भी इसकी संख्या में लगातार कमी होती है। जैसे कि कई जगह पे भूमि जो होती है पहाड़ी इलाके होते हैं, मैदानी भाग हैं, रेतीली भूमि है, तो ऐसे स्थानों के ऊपर विशेष, जैसे कि पहाड़ी भागों के अंदर रहने वाले जो कीट होते हैं, जो कि ये एनवायरनमेंट उनके लिए अनुकूल होता है, लेकिन जैसे ही ये किसी कारणवश अगर पहुंच जाए मैदानी भागों में तो वो भाग इसके लिए प्रतिकूल हो जाता है और वहाँ पर जाकर ये कैसे हो जाते हैं, नष्ट होने लगते हैं, जिससे धीरे धीरे इनकी संख्या में कमी आने लगती है। तो इस प्रकार से नेचुरल कंट्रोल जो है वो विभिन्न विधियों के माध्यम से कंप्लीट होता है, या प्राकृतिक नियंत्रण की विभिन्न विधियाँ जैसे ऋतु परिवर्तन, प्राकृतिक शत्रु, प्राकृतिक रोग, भूमि की रचना, ये सभी कारक जो हैं वो इनकी संख्या को कम करने के लिए उत्तरदायी होते हैं और इसके अंदर मानव किसी भी प्रकार से अपना हस्तक्षेप नहीं करता है और प्रकृति के अंदर अपने आप इनका नियंत्रण होता रहता है। तो इस प्रकार से हमारा जो फर्स्ट जो पॉइंट था इसका, नेचुरल कंट्रोल, वो यहाँ पर समाप्त होता है। थैंक यू।